हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, और बात करूं तो वो शेयर मुझे आईटी का शेयर है और काफ़ी बेहतरीन शेयर मुझे नज़र आता है टेक्नोलॉजी के मामले में। उसके जो मतलब उसके जो रिवेन्यू है, उसके जो रिटर्न्स है, उसके रिटर्न्स काफ़ी माइंड ब्लोइंग मुझे नज़र आए। तो आइए चलते हैं उससे रिलेटेड बातें करते हैं। ओके, आई एम ऑलरेडी बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो बाइंग सेलिंग की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आगे कोई भी पोजीशन लेनी है। किसी के कहने पर नहीं लेनी, ना मेरे कहने पर लेनी है, ना किसी और के कहने पर लेनी है। अपनी हमारे जो चैनल का मकसद है केवल आपको सिखाना है और कुछ नहीं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरीके की नॉलेज मिल सके। और कल की डेट में काफी सारे स्टॉक बताए गए थे, ब्रेकआउट बताए गए थे। अगर देखिए थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ जाता है और फिर तो इसका मतलब है वो और बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनाएगा, इस बात को याद रखना। और जहां पर कुछ ये नहीं है, हमेशा शेयर भागते भी है, थोड़े बहुत नीचे भी आते हैं। जैसे कि कल शेमारू बताया था, लगभग 1-2 रुपए नीचे आ गया, बट मुझे लगता है कि मंडे को फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके की हमारी स्टडी है शायद वो ऊपर ही जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, सबसे पहले रिटर्न देख लेते हैं। वन डे का रिटर्न 2%, वन वीक 3%, वन मंथ 18%, थ्री मंथ 4%, सिक्स मंथ 36%, एक साल के रिटर्न की बात करूं 400% के रिटर्न दिए, दो साल की बात करूं 126। और आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि इसका जो चार्ट पैटर्न होगा ऊपर से नीचे जा के फिर ऊपर जा रहा होगा। बट जितना लॉन्ग टर्म में इसे रखा है तो 10 साल में इसने 2884% के रिटर्न आपको देते हुए नजर आया है। तो मल्टी बैगर स्टॉक एक तरीके से इसे कह सकते हो, ये कहना गलत नहीं होगा। शेयर की कीमत कितनी है? शेयर की कीमत कुछ रुपए में है, 70 प्लस ही रुपीज में है। एज वेल एज बात करते कुछ और चीजें की, देखो 77 रुपीज का है। और बात करें 52 वीक लो की, तो 13 रुपए का ये शेयर चलता है 16 जून को। उसके बाद बात करें 52 वीक हाई की, तो 87 रुपीज यहीं पर ही 15 फेब को बनाया था, उसके बाद 10 रुपए यहाँ पर गिर चुका है लगभग। और अगर बात करें हमारा पहला टारगेट भी यही 87 के आसपास ही आ रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं डिलीवरी, तो आज के दिन 35% की डिलीवरी, लगभग 10,65,000 शेयर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए, समझ रहे? मतलब 30 लाख ट्रेड हुए हैं, 30 में से मतलब 1/3 पार्ट यहाँ पर ट्रेडिंग बेसिस पे यहाँ पर उठाया गया है। और बोनस भी दिया है इस कंपनी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर देखे तो 2018 में 1:1 का बोनस अनाउंस किया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए रिजल्ट तो अभी नहीं आया, यहाँ पर प्लेजिंग है, बट यहाँ पर प्लेजिंग भी पॉजिटिविटी वाली है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर हम बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट अभी देखते हैं, रिजल्ट अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने तक यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। बोनस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:1 का यहाँ पर 2018 में बोनस, डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं लास्ट ईयर 11 जुलाई के आसपास यहाँ पर रिजल्ट आए थे, मतलब अभी जून चल रहा है, तो शायद अगले महीने में ही यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे हमें। और तब तक ये शेयर था शायद थोड़ा और ऊपर नीचे कंसोलिडेट करके और ऊपर भाग सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसलिए मैंने अभी चूज किया है शेयर। शेयर का नाम क्या है? तो शेयर का नाम है कैल्टन टैक सॉल्यूशन लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है? टैक्स से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड शेयर है। वन मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे, ओके नीचे से ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा। सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ओके मतलब ऊपर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है इस तरीके से। वन ईयर का चार्ट पैटर्न आपके सामने है, 14 रुपए का शेयर आज की डेट में मल्टी बैगर रिटर्न दी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न वो भी आपके सामने, 2016 में इस कंपनी आई है, ओके एंड 2016 में कंपनी आई है और उसी लेवल पर दोबारा जा रही है। और बिजनेस की बात करें, माइंड ब्लोइंग मतलब रेवेन्यू है, माइंड ब्लोइंग इनके रिटर्न है। और बट ये पता नहीं कैसे नीचे से ऊपर से नीचे आया है, बट जिस तरीके से नीचे से ऊपर जा रहा है बहुत बेहतरीन ये शेयर जाने वाला है। बात कर लेते इससे रिलेटेड कुछ टेक्निक, अगर बात करें इसकी बिजनेस मॉडल की तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए कंपनी किस में काम करती है, टेक्नोलॉजी API मैनेजमेंट, जो कि फार्मा में काम करती हुई नजर आती है। प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, अगर आपको प्लेटफॉर्म या इंडस्ट्री की बात कर लेते, इंडस्ट्री में आपको चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं केमिकल्स, एजुकेशन, फूड एंड बेवरेजेस, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन प्रॉफिट, रियल एस्टेट, टूरिज्म, रिटेल, ई कॉमर्स, ऑयल गैस, मीडिया, इंश्योरेंस, हेल्थ, एनर्जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो कंपनी इसमें काम करती हुई नजर आती है। एज वेल एज सर्विसेज की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, डिजिटल कॉमर्स एंड मार्केटिंग, तो इनका मतलब क्लाउड वगैरह जो आज का डिजिटल है उधर से भी काम करती हुई नजर आती है।
होती है और आईटी से रिलेटेड कंपनी, यहाँ देख ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो ये सैप वगैरह, आईबीएम रोबोटिक प्रोसेस, तो मतलब आज की डेट की कंपनी है, इसलिए इस तरीके से शेयर भी भागता हुआ नजर आया। बात करें और कुछ चीज की, तो यहाँ पर देख रहे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। सबसे पहले एक माइक्रो कैप, और माइक्रो कैप का मतलब क्या होता है कि कंपनी मतलब कम पैसे ही आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है ऐसी कंपनी में, ओके, क्योंकि वॉलेटाइल आपने देखा ही है शेयर कैसा है। डेट की बात करें 24% के आसपास का डेट है, प्लेजिंग की बात करें 11% की प्लेजिंग है। पहले प्लेजिंग की बात कर लेते हैं, तो प्लेजिंग की बात करें तो कंपनी ने अपनी जो प्लेजिंग है ना काफी छुड़ाई है, लगभग एक साल में कंपनी ने अपनी प्लेजिंग को 1/3 यहाँ पर कम कर दी, मतलब 1/3 ही रह गया है, 2/3 यहाँ पर कम कर दिया। अगर बात करें 32% की पहले प्लेजिंग थी, और यहाँ पर बात करें सितंबर में और यहाँ पर दिसंबर में 11.89, अभी भी 11.89 है, और बहुत जल्दी यहाँ पर ये प्लेजिंग भी खत्म होती हुई आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है प्लेजिंग रखने का कोई सवाल ही नहीं रहता। और बात करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू है 217। तो इंट्रेंसिक वैल्यू का आपको पता ही है मतलब क्या होता है कि आप कि एक ट्रू वैल्यू, मतलब एक ट्रू वैल्यू किसी भी चीज की क्या होती है, उसे कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर बात करें करंट प्राइस 75 है और यहाँ पर ट्रू वैल्यू कितनी है 217, लगभग 3 times यहाँ पर नीचे नजर आ रही है, तो इस चीज को समझ के अगर हम काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा जनरेट होता हुआ नजर आएगा। एज वेल एज बात करते हैं सेल्स की, यहाँ पर देखिए सेल्स कंटिन्यू एक ही दायरे में चल रही थी, फिर थोड़ी सी नीचे आई, और बात करते हैं अभी की, तो यहाँ पर देखिए 2000 यहाँ पर पेंडेमिक आ गया था, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पर आया था, बट उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है, और अपने मार्च के लेवल पर इस बार शायद ये इस वाले को क्रॉस कर देगी जब इसके रिजल्ट आएंगे, और धीरे धीरे इन सारे जितने भी एक दो साल जो इसके लिए बेकार आए हैं ना, सारे के सारे को पीछे छोड़ देंगी ये कंपनी, मुझे नजर आ रही है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी अगर बात करें या तो 2000 यहाँ पर मार्च 2018 में सबसे ज्यादा आया था, या फिर दिसंबर में अभी सबसे ज्यादा आता हुआ दिया, और अभी आगने वाले क्वार्टर जो आ रहा है उसमें और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाई गया। ऐसी छोटी कंपनी बेशक से है, बट बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए 2011 में 1 करोड़ रुपए की सेल्स थी, समझ रहे, 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था 2011 में, और आज की डेट में रेवेन्यू क्या है, हाईएस्ट एवर है, 774 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है पिछले साल से ज्यादा भी, और अभी ये दोबारा जब इसके रिजल्ट आएंगे तो यहाँ पर ये हाईएस्ट एवर ही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो मतलब 1 करोड़ रुपए से सीधे 800 करोड़, समझ रहे, मतलब 800 times यहाँ पर कंपनी अपने आप को ग्रो कर चुकी है विदिन 10 years। तो ऐसी कंपनी में ही तो पैसा बनता है। यहाँ पर माइनस में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 103 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट माइनस 4 करोड़ था, आज की डेट में 67 हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे यहाँ पर कंपनी बैठी हुई है। तो ये सारी चीज आपको समझनी है, उसके हिसाब से काम करना है। देखिए 1 करोड़ 39 49 134, मतलब हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है, 238 359 600 सीधे डबल, 615 फिर 783 814 अभी 771 लास्ट ईयर का, और अब की बात करें तो यहाँ पर इसे इजीली क्रॉस कर देगी, हाईएस्ट एवर रिवेन्यू मुझे इस बार के सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट देखिए रिजर्व्स नेगेटिव से सीधे 402 करोड़ रुपए डेट है, बट बोरिंग, बट इतना कैश है इनके पास, बोरिंग जब भी चाहेंगे यहाँ पर रिजर्व्स जब चुकाना चाहे जब चुका सकते हैं। अपने ऊपर खर्च भी कर रहे हैं, एक्सपेंड भी करते आ रहे हैं, 1 करोड़ रुपए से यहाँ पर 281 करोड़ का एक्सपेंडिचर, समझ रहे हैं इसको, मतलब कंपनी कैपेक्स में भी खर्च करती हुई नजर आ रही है। ट्रेड रिसीवेबल देखिए यहाँ पर 204 करोड़ रुपए का ऑलरेडी सितंबर तक में हुआ था, और कैश की बात करें 24 करोड़ रुपए का कैश, एसेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 4 करोड़ से 702। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव वाली चीजें हैं, इस चीज को पॉजिटिव में लेना है। बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, यहाँ पर देखिए मार्च 2020 में कितनी थी 62%, अगले क्वार्टर में यहाँ पर शेयर यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आ रहा है, आई एम राउंड उसके लिए सॉरी। यहाँ पर बात करें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पर प्रमोटर्स ने, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 6-7% की प्रॉफिट बुकिंग करी है, और शायद इसी इस प्रॉफिट को बुक करके इन्होंने यहाँ पर कर्ज वगैरह चुकाया, तो ये हो सकता है। FIs की होल्डिंग बात करें तो इस क्वार्टर में तो FIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो मतलब कि शेयर में कुछ ना कुछ होने वाला है, इस बात को भी याद रखिए। DIs के पास सेम होल्डिंग है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है, पब्लिक के पास 42% की होल्डिंग है, और मुझे लगता है यहाँ पर HNIs भी बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे, तो इसे भी हमें देखना पड़ेगा। HNIs शायद ज्यादा यहाँ पर बड़े बड़े लोग खरीद रहे होंगे, और ये शेयर अच्छा खासा, मुझे जो सबसे अट्रैक्ट
इफेक्टिव चीज पार्ट लगी सबसे पहले बैलेंस शीट, एज वेल एज दूसरी जो सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ पर जो इनका ईयरली बेसिस पे जो जो इन्होंने रिवेन्यू और एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट किया ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। ओके कंपनी है मतलब 1 करोड़ से 800 करोड़ तक की जर्नी टैक तय कर रही है, वो भी 10 साल में, तो ये काफी अप्रिशिएबल है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न है। ओके मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉइंग को रिमूव कर देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके ड्राइंग की, अगर बात करें ये शेयर देखिए यहाँ पर चल रहा है, और इसने अगर बात करें ऑल टाइम हाई, तो इसी लेवल पर इसने ऑल टाइम हाई पे अभी एक बार पहले बनाया था फैब में, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। ओके और ऑल टाइम हाई की बात करें इसके, तो ऑल टाइम हाई अगर हम देखते हैं तो ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पर नजर आता है लगभग, यहाँ पर देखिए 121 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई नजर आता है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितने परसेंट के रिटर्न नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है साफ। देखिए ये कप बना यहाँ पर इसने लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा यहाँ पर हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके जो कि 1 महीने के अंदर अंदर शायद पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ऑलरेडी यहाँ पर जा चुका है, हाफ जर्नी तय, हाफ से ज्यादा जर्नी तय कर चुका है, थोड़ी सी जर्नी बाकी रही है, वो भी बहुत जल्दी पूरी कर लेगा। और जब इस लेवल को निकाल देगा तो फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा अच्छा खासा, जो कि आपको क्या रिटर्न दे के जाएगा, वो रिटर्न होंगे ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर दे इसे, तो यहाँ पर ये रिटर्न आ रहे हैं कितने, तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो ये 164 का मुझे लेवल नजर आ रहा है। और अगर बात कर लेते हैं अभी करंट प्राइस से, जो कि यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है, तो अगर देखते हैं यहाँ से तो यहाँ पर 115% के रिटर्न आ रहे हैं। अगर एक साल भी लग जाता है ना 115% में, 1 से 1.5 साल भी लग जाता है, तो काफी बेहतरीन रिटर्न्स होते हैं इस चीज को याद रखिएगा। तो ये पहला अगर पहले टारगेट की करें तो पहला टारगेट तो यही है जो इसका यहाँ पर से नजर आ रहा है सिंपल, ये जो 3-4% के रिटर्न है इसे तो चलो कहिए तो मिल ही जाएगा। बात करें इस यहाँ पर फिर दूसरा टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है जो इसकी इसका ऑल टाइम हाई का है, तो यहाँ पर भी ये टारगेट 50% का है, जो कि मुझे लगता है 6 से 7 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। इस बार के रिजल्ट अगर अच्छे आ गए, जो कि मुझे लगता है कि आ जाएंगे, तो बेहतरीन यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। मैं ऑलरेडी बायर हूँ, बट आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई पोजिशन लीजिएगा। बाकी शेयर मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग लगा, सब कुछ आपको बता दिया। प्लेजिंग इन्होंने 2/3 यहाँ पर कम कर दी है, एवरीथिंग इज लुकिंग सो फाइन। ओके तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को कनेक्ट करिए, और सीख के ही आगे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।